हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रेवल सीरीज़ का लास्ट वीडियो, यानी कि डे 7 एंड डे 8 का वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने डे 7 और डे 8 पे क्या क्या लिया था जब मैं ट्रैवल कर रही थी। डे सेवन पे सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जिसमें मैंने ली थी एक कप चाय, हाफ टी स्पून शुगर ऐड करके, और उसके साथ मैंने एक रस का पीस भी लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था 10 o'clock के अराउंड, और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में छोले पूड़ी ली थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और मैं लेट भी हो रही थी क्योंकि उस दिन मुझे फिर से एक ट्रैक के लिए निकलना था, तो मुझे लगा काफ़ी कैलोरी मैं ट्रैक में बर्न कर लूँगी। और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि उस दिन हम बीच में कोई स्नैक्स लेंगे या नहीं, या फिर हम लंच कब तक करेंगे। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी रख लेते हैं। मैंने 2 पूड़ी ली थी, वैसे पूड़ी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल था, और वो काफ़ी टेस्टी भी थी। फिर उस दिन हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उस दिन ट्रैक करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे जो 2 दिन पहले के ट्रैक की थकान थी वो मुझे नेक्स्ट डे तो इतनी फील नहीं हुई थी, लेकिन मुझे एक रात पहले से काफ़ी पेन हो रहा था अपने लेग्स में, और जिसके लिए मैंने थोड़ी सी गर्म पानी की सिकाई भी की थी और मैंने थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी की थी, तो मुझे बेटर तो फील हो रहा था लेकिन फिर भी मेरा पेन काफ़ी था। लेकिन मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया, मैं इस बात से बहुत खुश थी। और जब मैंने ट्रैक कंप्लीट किया तो हमने बीच में कोई स्नैक नहीं लिया था, और हमने वहाँ जाकर जब हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था तब हमने थोड़े से स्नैक्स खाए थे जो हम अपने साथ लेके गए थे, और उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए थे और उसके साथ मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी खाए थे। फिर हमने ब्रेक लेने के बाद और बहुत सारी पिक्स क्लिक करने के बाद फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट किया, और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो भी हमें कोई ऐसा हेल्दी ऑप्शन नहीं दिख रहा था जहाँ बैठकर हम कुछ हेल्दी स्नैक्स ले सके। तो हमने सोचा कि हम इस ट्रैक को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर नियर बाय किसी मार्केट में जाकर कोई ऑप्शन सर्च कर लेंगे। लेकिन जब हमारा ट्रैक कंप्लीट हुआ और हमने नियर बाय मार्केट में देखा तो वहाँ भी हमें ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सबसे बेस्ट समझा कि मैं सिद्धू ऑर्डर कर देती हूँ। वहाँ पर सॉल्टी सिद्धू मिलते हैं आलू की स्टफिंग के साथ, लेकिन वो मैंने जैसे कि पहले वाले अपने वीडियो में भी बताया था, वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है और उसको देसी घी और चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन मेरा सिद्धू आने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मेरी फैमिली ने थोड़े से पकौड़े भी ऑर्डर किए थे, तो मैंने उसमें से 2-3 पकौड़ा टेस्ट किए थे, जिसके साथ मैंने फिर से एक चाय ली थी। और मैंने वैसे ही अपनी चाय ऑर्डर की थी जिसमें मैंने शुगर ऐड नहीं करवाई थी, लेकिन मैंने उसमें बाद में 1/2 teaspoon शुगर ऐड की थी। तो उसके बाद मैंने 1/2 सिड्डू भी खाया था पकौड़े लेने के बाद, और फिर हमने अपना डिनर लिया था 9:15 के अराउंड, और उस दिन मैंने अपने डिनर में एक रोटी ली थी आलू गोभी की सब्जी के साथ, और मैंने उस दिन थोड़े से कड़ी राइस भी खाए थे क्योंकि उस दिन मेरा ट्रैक अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर का था, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ था उस दिन वो था 11 point something, और इसमें जो मैंने कैलरी बर्न करी थी वो थी 1633, और मेरे जो स्टेप्स थे वो थे अप्रॉक्सीमेट 18,000, क्योंकि उस दिन ट्रैक करने की वजह से मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं उस दिन थोड़ा टाइम से सो गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वापस आने के लिए, यानी कि घर वापस आने के लिए फिर से निकलना था, तो मैं काफ़ी टाइम से सो गई थी, तो मैंने कोई बेड टाइम ड्रिंक नहीं ली थी। नेक्स्ट डे यानी कि लास्ट डे पर, डे 8 पर, सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में फिर से उस दिन चाय ली थी और उसके साथ 2 मैरीगोल्ड के बिस्किट लिए थे। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में वहाँ के ऑथेंटिक थोड़े से चिलड़े खाए थे। ये आटे से ही चीले बनाए जाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी थे, और इसके साथ मैंने 1/2 आलू का पराठा थोड़ी सी दही के साथ भी खाया था। फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने के 2 घंटे बाद ही हम बुरी तरीके से फिर से जाम में फंस गए थे। बहुत ही ज़्यादा जाम था। इवन हम लोगों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 11 o'clock के अराउंड की थी, और हमने रास्ते में सिर्फ एक ही साइट सीइंग किया था, और उसके बाद भी हमें वापस आते आते नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 5 o'clock हो गई थी। यस, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जबकि हमारी एस्टिमेटेड टाइमिंग जो आ रही थी वो 13 hours की आ रही थी, इसीलिए उस दिन हमारी जो खाने की टाइमिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी। हमने जब हम पहले जाम में फंसे थे तो हमें लगा कि हमारा लंच लेट हो सकता है, इसीलिए हमने बीच में ही कार में ही अपना एक स्नैक ले लिया था, और उसमें हमने फ्रेश फ्रूट्स खाए थे जिसमें मैंने ज़्यादातर चेरीज ही खाई थी। जैसे कि हमें जाम को देखकर आइडिया लग ही रहा था, तो हमारा लंच सच में काफ़ी लेट हो गया था। हमने उस दिन अपना लंच अराउंड 4 o'clock किया था, और इतनी लेट होने की वजह से और बीच में थोड़ा सा फ्रूट खा लेने की वजह से
मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो उस दिन मैंने अपने लंच में सिर्फ एक रोटी ली थी, लेकिन उसके साथ मैंने दो सब्जी ली थी, एक मैंने राजमा लिए थे और उसके साथ मैंने थोड़ा सा मलाई कोफ्ता भी लिया था। लेकिन उस दिन मैंने लंच में बहुत सारी सैलड खाई थी, क्योंकि मेरा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था और राजमा और मलाई कोफ्ता ऑलरेडी बहुत हैवी थे, इसीलिए मैंने सिर्फ एक प्लेन रोटी ली थी जिसमें मैंने कोई बटर या कोई देसी घी नहीं लगाया था। फिर जब हमने फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, फिर हम इवनिंग में फिर से बहुत ही लंबे जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से हमारा डिनर और भी ज़्यादा लेट हो गया था। उस दिन हमने अपना डिनर 12:30 पे किया था, जिसमें हमने चाइनीज़ खाया था, लेकिन मैं गलती से अपना फ़ोन कार में ही भूल गई थी, जिसकी वजह से मैं उसकी क्लिप शूट नहीं कर पाई। मैंने थोड़े से चाउमीन खाए थे, जिसके साथ मैंने थोड़ा सा चिली पनीर भी लिया था। जब हम जाम में फंसे हुए थे या फिर हम जब एक साइट सीइंग के लिए गए थे, तो तब मैंने थोड़ी थोड़ी वॉक की थी, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे एक तो बोर हो रहे थे और काफ़ी टायर्ड भी फील कर रहे थे बैठे बैठे, तब मैंने थोड़ी सी वॉक की थी। तो उस दिन जो मेरे स्टेप्स कंप्लीट हुए थे वो थे अप्रॉक्सीमेट 5000, और जो उसमें कैलरी बर्न थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 100, और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो था 3 किलोमीटर्स। फिर वापस आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और मैंने कुछ भी खाने से पहले फिर से अपना वेट चेक किया था। मैंने जाने से पहले यानी कि ट्रिप पे जाने से पहले भी अपना वेट चेक किया था, तो वो आया था 61.3 kg, और ट्रिप से आने के बाद मेरा वेट आया था 61.7 kg। लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरा अनहेल्दी या फिर ज़्यादा खा लेने की वजह से नहीं था, क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं थे और काफ़ी बॉडी में इस तरीके से ब्लोटिंग भी हो जाती है और बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है, इस वजह से भी आपका वेट कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। और वैसे भी वेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है डे टू डे में, जब मैंने ये पहले भी डेली चेक किया था तो ये मैंने नोटिस किया था, तो इसीलिए मुझे ये नंबर्स इतने बॉदर नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये आपके किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।